किसी भी खिलाड़ी के लिए टेस्ट मैच खेलने का सपना बहुत बड़ा होता है और क्रिकेट में, और सबसे बड़ी बात है आकाश को ये मौका मिला है कि वो टीम में सेलेक्ट हुए इंग्लैंड के लिए, और इंग्लैंड के खिलाफ अगर मौका मिलता है, प्लेइंग 11 में आते हैं और अच्छा करते हैं, तो ये उनके लिए सपने जैसा होगा। और बड़ी बात यह है, एक ये भी है कि बिहार से वो आ रहे हैं, रोहतास से, जहां पे क्रिकेटिंग फैसिलिटी जब वो आए तो कुछ भी नहीं थे, पहले उन्हीं से उनकी कहानी जानते। एक आकाश, आपके बारे में बहुत सारी कहानियां सुनी पढ़ी, रोहतास में, सासाराम में भी लोगों से बातचीत की, बहुत कुछ आपकी कहानी जो है धोनी जैसे सुनाई पड़ती है। आपके फादर भी आपको पियन बनाना चाहते। हाँ जी सर, बिल्कुल। पापा को पसंद नहीं था क्रिकेट खेलना, क्योंकि उस टाइम पे बिहार में एफिलिएशन नहीं था बीसीसीआई का, और जो भी बच्चे क्रिकेट खेलते थे तो ज़्यादातर बच्चों का फ्यूचर जो है वो पापा ने देखा था कि खराब हुआ है। तो इस ये वजह थी सबसे बड़ी कि वो चाहते थे कि मैं पढ़ाई करूँ और कोई गवर्नमेंट जॉब करूँ। हम लोग सब इस दौर से गुजरे हैं। एक जो बड़ी बात ये रही वहां पे, ये भी सुना कि आपके मोहल्ले के बच्चों को मना किया गया था कि आपके साथ कहीं, आपके जैसे उस समय जो कहा जाता था कि यार बर्बाद है, केवल खेलता कूदता रहता। बिल्कुल सही बात है कि मैं जब खेलता था क्रिकेट उस समय तो मुझे पढ़ाई में मन नहीं लगता था, सिर्फ क्रिकेट से, पता नहीं क्योंकि मुझे पता भी नहीं था कि क्रिकेट में इतनी अच्छी फ्यूचर होती है, क्योंकि उस टाइम पे उधर से कोई क्रिकेटर नहीं था और ऐसी माहौल नहीं थी हमारे घर में वैसा। बट मुझे क्रिकेट से पता नहीं क्यों ऐसा लगाव था कि हम क्रिकेट के बिना नहीं रह पा रहे थे, तो हम दिन रात क्रिकेट ही खेलते थे जब भी हमको टाइम मिलता था। आसपास के पेरेंट्स जो देख रहे थे उनको ऐसा लगता था कि मेरा बच्चा भी क्रिकेट खेलेगा, अभी नहीं पढ़ पाएगा, तो मना ही करते थे कि तुम उसके साथ मत रहो। अब जब आप टीम इंडिया में आए, बदलाव आया है, वहां पे आप जाते हैं तो मान सम्मान। हाँ बिल्कुल, मुझे इस बात से बहुत खुशी होती है। अभी नहीं, जब मैं आईपीएल में आया था, मैच मैच खेला था, उस टाइम से ही उधर उधर के पेरेंट्स की मेंटेलिटी काफी चेंज हुई है। तो मुझे इस बात से काफी खुशी होती है कि मेरी वजह से अगर एक पूरे समाज में, पूरे एरिया में, पूरे डिस्ट्रिक्ट में अगर पेरेंट्स की मेंटेलिटी चेंज हो सकती है, तो ये मेरे लिए बहुत ही बड़ी चीज है कि मेरे एक कोशिश से अगर इतना बड़ा चेंज आया है वहां पे। तो आपकी वजह से क्रिकेट वहां बदल गई या क्रिकेट बिल्कुल, खेलने आज का। हाँ आज वहां भी अपने बच्चे को पेरेंट्स छोटे से ही एकेडमी लेके जाते हैं उनके लिए। जो रेड बॉल की आपकी कहानी है, रेड बॉल आपने किस उम्र में देखा और कब से ये हो गया, क्योंकि आप काफी उम्र तक 16-17 साल तक मुझे लगता है टेनिस बॉल खेल रहे थे। बिल्कुल, एक्चुअल में सर हम जहाँ से बिलोंग करते हैं वहाँ पे तो क्रिकेट था ही नहीं, रेड बॉल क्या, वहाँ पे मैट भी नहीं था, वो सीमेंट कंक्रीट कंक्रीट भी नहीं था, तो हम लोग खेल नहीं पाते थे क्योंकि सुविधाएं नहीं थी हमारे पास, तो हम टेनिस क्रिकेट ही खेलते थे। रेड बॉल क्रिकेट में जब एक टूर्नामेंट होता है वहाँ पे, हमारे यहाँ साल में एक बार होता है वो 2-3 दिन के लिए, तो उसमें एक दो बार मैं खेला था, लेकिन उस समय मैं बैटिंग करता था, बॉलिंग नहीं हाँ, आप करता अच्छे था। बैट्समैन थे, मुझे शुभ। हाँ उस समय मैं बैटिंग करता था, तो उस टाइम पे मैं रेड बॉल एक दो बार देखा था। फिर उसके बाद जब मैं घर से बाहर निकला प्रोफेशनली क्रिकेट खेलने के लिए, तो मुझे पता चला कि रेड बॉल ऐसा होता है, फिर ऐसी चीजें होती है, ये होती हैं, सारी चीजें बाद में पता चला मुझे। लेकिन आपने तो बहुत फास्ट पिक किया, क्योंकि मैं जयदीप से बातचीत कर रहा था, बता रहे थे कि आपकी इन स्विंगर को देख के वो गाड़ी चलाते हुए जा रहे थे और फिर उसको देख के रुक गए, और फिर बाद में आप तो सारे, मुकेश कुमार आपके रूममेट रहे, आप लोग दोनों काफी अच्छे दोस्त माने जाते हैं। रेड बॉल को हाथ में पकड़ना, वो अनुभव बताइए कि आपको मिला, आपने वो बॉल रखी है कैसे है? बिल्कुल, जब मैं फर्स्ट टाइम पे क्लब के लिए मैच खेल रहा था तो मुझे उतना आइडिया नहीं था कि रेड बॉल पे कैसे विकेट लिया जाता है। मेरे पास पेस तो था, क्योंकि मैं जब टेनिस बॉल क्रिकेट खेलता था तो मेरा एक शौक था कि मुझे तेज फेंकना है, तेज फेंकना है, तो मेरे पास स्पीड तो था, बट रेड बॉल का आइडिया नहीं था कि मुझे विकेट कैसे लेनी। मैं तेज तो फेंक रहा था, पेस से बैट्समैन से विकेट जो मिल रहा था मिल रहा था। मैंने बंगाल के काफी सारे कोचेस से बातचीत की, और बंगाल जो पिछले 2-3 साल से, 2-3 बार से रणजी में बहुत अच्छा कर रहा है, उसकी एक बहुत बड़ी वजह वो बताते हैं कि आपके जैसे या मुकेश कुमार जैसे जो बॉलर्स हैं, उसकी वजह से रणजी की टीम ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया पिछले 2-3 बार में, जो लगभग यही कहानी इंडियन टीम की भी है। आज इंडियन टीम की जो बेस्ट बॉलिंग अटैक मानी जाती है दुनिया भर में, वो उसकी बहुत बड़ी वजह है कि बॉलिंग अटैक बहुत अच्छा हुआ है। तो आप उस पेस बैटरी में शामिल हो रहे हो जहां पे बुमराह है, सिराज है ना, आपके रूममेट मुकेश कुमार है, ये कितनी बड़ी बात है। और एज ए क्रिकेटर जब हम क्रिकेट खेलना शुरू करते हैं तो सबका सपना होता है कि मैं इंडिया का जर्सी पहनूं, तो इस हिसाब से देखे तो बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। बट मुझे ऐसा लगता है कि मैं इस हिसाब से नहीं देखता हूं, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है। पहले मैं बंगाल के लिए खेलता था, अभी मुझे इंडिया के लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा रही है, जिसको मुझे उसी तरह निभाना है जो मैं अभी करते हुए आ रहा हूँ, मुझे वैसा ही करना है। जब मैं इंडिया के लिए, देश के लिए परफॉर्म करूंगा, मैं देश को मैच दिखाऊं जिताऊंगा, मैं देश की
जीत में जब मेरा कोई कंट्रीब्यूशन रहेगा तब मुझे सेटिस्फेक्शन मिलेगा, तब मैं मुझे मुझे लगता है कि तब मुझे एंजॉय करना चाहिए अपनी खुशी को। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात है। आप एक अच्छा आपके लिए विजन है, और हम लोग जिस तरह से स्ट्रगल आपका रहा है, हम लोगों के लिए हमेशा दूर सोचना, बड़ा सोचना, वो बड़ी बात होती है। एक्चुअल मैं मेरा वैसा कोई बचपन से कोई कोच नहीं रहा क्योंकि प्रोफेशनल क्रिकेट में खेला नहीं, बट मुझे ऐसा लगता है कि सेल्फ मोटिवेशन सबसे बड़ी चीज होती है। जब मैं फॉलो करता हूँ मैं सबको, मैं अभी जसप्रीत बुमराह, शमी भाई, मोहम्मद सिराज और रबाडा, मैं ग्रेट ली, इन सारे लोगों को मैं ज्यादा फॉलो करता हूँ। हमारा जो रोल होता है, हमारा जो काम होता है टीम के लिए, वो बहुत जरूरी होता है कि हम उसके लिए कुछ कर पाए, डिलीवर। अगर हमारे पास स्किल है, हमारे पास क्षमता है, तो हम वो टाइम वो चीज ज्यादा टाइम करेंगे, 10 में से 9 बार करेंगे। मेरा मेरा सबसे मेन थिंग है मेरा रेड बॉल क्रिकेट के लिए कंसिस्टेंट होना। एक जगह पे हम बॉल डालने की कोशिश करते हैं जितना देर हो सके, और मैं चाहे फर्स्ट ओवर करूं या फिर लास्ट ओवर करूं, मेरा वो जो है पेस जो है वो सेम रहे, एफर्ट जो है वो सेम रहे बॉल पे, मैं ये कोशिश करता हूँ और इस पे ही काम करता हूँ। क्योंकि स्विंग स्विंग एक नेचुरल भी होता है, डेवलप भी किया जा सकता है, बट ये जो चीज है वो बहुत जरूरी है रेड बॉल क्रिकेट के लिए कि हम स्टार्टिंग जैसे कर रहे हैं खत्म भी वैसे ही करें, चाहे वो 20वां ओवर क्यों ना हो दिन का। आपको लगता है एज अ बॉलिंग ऑलराउंडर उभरना अपने लिए टारगेट? हाँ बिल्कुल, मैं अभी कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि हमारे जिस पोजीशन पे हमारी बैटिंग आती है, जिस नंबर पे हम बैटिंग करते हैं, अगर वहां पे हम अपनी टीम को 30, 35, 40, 25, 40, 45 जो भी रन कंट्रीब्यूट करेंगे, वो उसमें जीत का परसेंटेज बढ़ जाता है। क्योंकि हमारा जो आज के क्रिकेट में आप फॉलो कर रहे होंगे, देख रहे होंगे, पीछे का रन काफी इंपॉर्टेंट हो जा रहे हैं। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अपने बैटिंग को और डेवलप करूँ और बैटिंग में भी कंट्रीब्यूट करूँ टीम को। एक और सवाल आकाश, आपने जैसे आपने बहुत मुश्किल देखी अपने सिस्टर के यहाँ, वहां रोहतास में बहुत मुश्किल देखी, फादर का डेथ, भाई का डेथ, जब पैसा मिला पहला, घर में क्या चेंज लाए, मदर को क्या समझाए फिर? सबसे पहली चीज कि जब भैया एक्सपायर हुए थे तो उनकी छोटी छोटी दो बेटी थी, उनका पढ़ाई का रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे दिमाग में उस टाइम से ही चल रहा था कि सबसे पहला काम इनको पढ़ाना है, ये अपने पैरों पे खड़ी हो सके, मुझे इस काबिल बनाना है, उसके लिए मुझे जो भी करना होगा करेंगे। तो जब मेरे पास पैसा आया तो सबसे पहले उनका अच्छा स्कूल में एडमिशन कराया मैं, उनका पढ़ाई में जो भी सुविधाएं हो सके देने की कोशिश किया, सबसे पहला काम तो यही किया। सबसे इमोशनल मोमेंट मेरे लिए यही रहा कि मेरे पापा को बहुत शौक था कि मेरे पापा के 3 बेटे थे, तो हम तीनों उनके उनके जब तक वो जिंदा रहे हम तीनों कुछ नहीं कर पाए थे, तो उनको बहुत शौक था। जैसे वो मुझे ऐसा लगता था, मेरे से बताते थे जब भी वो स्कूल जाते थे तो और कोई टीचर उनसे अपने बेटे का सक्सेस के बारे में बताता था, तो वो थोड़ा सा नर्वस होते थे, थोड़ा सा भावुक होते थे और हमसे शेयर करते थे। हम काफी छोटे थे उस टाइम पे और उनको मेरे से भी कोई उम्मीद नहीं था क्योंकि मैं भी खेलता था, उनको पसंद नहीं था, उनको ऐसा लगता था कि मैं भी जिंदगी में कुछ नहीं करूंगा। तो इस बात को लेकर वो काफी मतलब अंदर से वो मतलब टूटे से लगते थे जब भी मैं बात किया, जितना मुझे याद है। मैं इस बात के लिए मुझे बहुत अफसोस होता है कि आज पापा रहते तो शायद बहुत खुशी मिलती उनको, सबसे ज्यादा खुश होते। बहुत ही अच्छा आपसे लगा बातचीत करके, और आप ऐसे ही राइज करते जाइए, और आप एक मैसेज जरूर दीजिए बिहार के बच्चों के लिए, क्रिकेट के लिए। मेरा हमेशा से एक ही मैसेज रहता है कि बच्चों को खुद अपने टैलेंट को पहचानना होगा, और उनको अगर ऐसा लगता है कि उनको क्रिकेट ही खेलना है, उनको क्रिकेट में ही अपना फ्यूचर वो देखते हैं, क्योंकि क्रिकेट में लाइफ सिक्योर नहीं है। आपके पास पढ़ाई में ऑप्शंस हैं कि आप ज्यादा पढ़े लिखे हैं या ज्यादा पढ़ाई करने में आप तेज हैं तो IAS बन सकते हो, कम है तो ये बन सकते हो, वो बन सकते, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन क्रिकेट में कोई ऑप्शंस नहीं है। तो बच्चे को पहले तो सबसे पहले डिसाइड करना होगा कि वो कितना हार्डवर्क कर सकता है, और वही बच्चा सक्सेस होगा जिसके अंदर डिसिप्लिन, डेडिकेशन और हार्डवर्क पे भरोसा होगा। और वो अगर बच्चा 3 चीज करेगा तो उसको जिंदगी में सफलता कभी ना कभी जरूर मिलेगी। मुझे मेरा बस एक ही मैसेज रहता है हमेशा से। चलिए, विश यू ऑल द बेस्ट आकाश, हमेशा अच्छे करते रहिए।